डॉग्स मैन के बेस्ट फ्रेंड और बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल और लविंग क्रिएचर्स होते हैं। डॉग्स हमारा स्ट्रेस दूर करने में और हमारा हमेशा मूड हैप्पी रखने में बहुत ही हेल्प करते हैं। पर एक डॉग को ओन करने के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि उन्हें टाइम टू टाइम वैक्सीनेट कराते रहना, उन्हें डिवॉर्म करना, उन्हें ट्रेन करना और उन्हें सोशलाइज करना। अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर से, तो कुछ डॉग ब्रीड्स ऐसी होती है जिन्हें फर्स्ट टाइम रखना बहुत ही इजी होता है, उनका मेंटेनेंस कम होता है और उन्हें ट्रेन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। पर कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जिन्हें आपको फर्स्ट टाइम ओन करने में, उनकी मेंटेनेंस में और उनका ध्यान रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले वो टॉप 10 डॉग ब्रीड्स जो कि एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए बहुत ही सही ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 1 है ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड ओरिजिनली रेसिंग के लिए और कोर्सिंग गेम्स के लिए ब्रीड किए जाते थे, पर नाउ वो अभी बहुत ही पॉपुलर पेट डॉग्स हो चुके हैं। ग्रे हाउंड्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 टू 14 ईयर्स के अराउंड है। उनका हाइट 69 टू 71 सेंटीमीटर होता है और उनका वेट वेरी करता है अराउंड 25 टू 35 केजी। इनका टेम्परामेंट बहुत ही क्वाइट इवन टेम्पर्ड के होते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट और एथलेटिक डॉग्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा जेंटल होते हैं ये किड्स के साथ। ग्रेहाउंड्स ब्रिंडल, ब्लैक, वाइट और फॉन कलर्स में अवेलेबल हैं। इनका ओरिजिन इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन से है। ये बहुत ही स्मार्ट और एथलेटिक डॉग ब्रीड है। इसे कम से कम दिन में हाफ एन आवर की एक्सरसाइज कराना ज़रूरी है ताकि इनका अच्छा शेप मेंटेन रह सके। ये लार्ज टू मीडियम हाउस ओनर्स के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप सुबह रनिंग पे या जॉगिंग पे जाना पसंद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रनिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। नंबर 2 इज शिज़ू। शिज़ू एक टॉय ब्रीड है। ये बहुत ही स्वीट और अफेक्शनेट होते हैं। इनका ओरिजिन चाइना टिबेट से है। इनका वेट अराउंड 4 टू 8 केजीज होता है और इनका हाइट होती है अराउंड 20 टू 28 सेंटीमीटर। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबाउट 10 टू 16 ईयर्स होती है। इनका टेम्परामेंट बहुत ही क्लेवर होते हैं। ये अलर्ट होते हैं, जेंटल होते हैं और किड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। ये दिन में बैठ के हमेशा घर में खेलना कूदना और बॉल के साथ फेच प्ले करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ब्लैक, ब्राउन, वाइट, ब्रिंडल कलर्स में अवेलेबल होते हैं। इनको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें घर पे भी थोड़ा बहुत खिला सकते हैं। इन्हें आप छोटे हाउसेस में भी रख सकते हैं, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इन्हें इनकी कोट को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। आपको इसको रेगुलरली ब्रश करते रहना पड़ेगा, शैम्पू करना पड़ेगा, इनकी कोट को ऑयल लगाना पड़ेगा ताकि इनकी कोट शाइनी और अच्छी दिखे। नंबर 3 है पूडल। पूडल एक स्मॉल ब्रीड डॉग्स है और वो 3-4 वैरायटी में आता है, जैसे कि स्टैंडर्ड वैरायटी, मिनिएचर वैरायटी और टॉय वैरायटी। इनका ओरिजिन जर्मनी से है। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबाउट 12 टू 15 ईयर्स है। हाइट होती है अराउंड 28 टू 35 सेंटीमीटर। इनका टेम्परामेंट अलर्ट होते हैं, ये एक्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं बहुत। ये ब्लैक, वाइट, क्रीम, सेबल और एप्रिकॉट कलर्स में अवेलेबल होते हैं। ये बाहर वॉक पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। आप इन्हें मीडियम टू स्मॉल साइज़ के घरों में भी रख सकते हैं आराम से। आपको इनके हेयर्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपके इनके हेयर्स को रेगुलरली ब्रश करना पड़ेगा, क्लीन रखना होगा ताकि इनके बालों में कभी टिक्स ना हो। नंबर 4 है पोमरेनियन। ये क्लासिक टॉय ब्रीड है। इनका ओरिजिन पोलैंड जर्मनी से है। इनकी लाइफ अराउंड 12 टू 16 ईयर्स की होती है। इनकी हाइट 20 टू 22 सेंटीमीटर्स तक होती है और वेट 2 टू 8 केजीज तक होता है। ये वाइट, ब्लैक, ग्रे, टैन और ऑरेंज कलर्स में अवेलेबल है। इनका टेम्परामेंट है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सोशल होते हैं, एक्टिव होते हैं और अदर डॉग्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सोशल डॉग होते हैं और इन्हें न्यू डॉग से मिलना और नए ह्यूमन से मिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आपको इन्हें सोशलाइज कराने में भी कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप बस आपको इनके कोट को थोड़ा अच्छे से मेंटेन करना होगा, उसे रेगुलरली कोम करना होगा और आप इस डॉग को छोटे अपार्टमेंट्स या फिर मीडियम साइज घरों में भी आराम से रख सकते हो। नंबर 5 है डेलमेशियन। डेलमेशियन एक मीडियम लार्ज साइज़ का डॉग है। ये अपने यूनिक वाइट कोट विद ब्लैक स्पॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनकी हाइट अराउंड 57 टू 61 सेंटीमीटर्स होती है और वेट अराउंड 16 टू 31 केजीज होता है। ये लिवर वाइट और ब्लैक एंड वाइट कलर में अवेलेबल है। इनका ओरिजिन है क्रोएशिया से। इनका टेम्परामेंट होता है, ये बहुत ही एनर्जेटिक, प्लेफुल, आउटगोइंग और फ्रेंडली डॉग्स होते हैं। ये दूसरे डॉग्स के साथ खेलना, बॉल के साथ खेलना और आउटडोर
ग्राउंड्स में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको हमें थोड़ा स्पेस देना होता है, इसलिए इन्हें हम मीडियम या लार्ज साइज़ के घरों में रखें तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा। पग एक स्मॉल ब्रीड का डॉग है, ये वोडाफोन के एड से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है इंडिया में। इसकी लाइफ 12 टू 15 ईयर्स के अराउंड होती है। ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। इसकी हाइट 30 टू 35 सेंटीमीटर होती है और इसका वेट 8 टू 12 केजी होता है। ये ब्लैक फोन, सिल्वर फोन और एप्रिकॉट कलर्स में अवेलेबल है। इसका टेम्परामेंट होता है कि ये बहुत सोशल होते हैं, प्लेफुल होते हैं, बहुत ही क्वाइट होते हैं अपने घर में और बहुत ही क्लेवर होते हैं। इन्हें आप आसानी से कोई भी ट्रिक सिखा सकते हैं। ये पेट किए जाने पर और अपने ओनर द्वारा कडल किए जाने पर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। ये घर में अंदर ही रहना पसंद करते हैं। इन्हें आप थोड़ा बहुत बाहर एक्सरसाइज करा देंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये छोटे अपार्टमेंट में भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं और क्योंकि इनका कोट बहुत छोटा होता है, इनकी कोट की मेंटेनेंस भी बहुत इजी होती है। गोल्डन रिट्रीवर एक मीडियम लार्ज साइज़ का डॉग है। इन्हें प्राइमरीली हंटिंग में जब डक्स को हंट करते थे तो उन्हें वापस फेच करने के लिए यूज़ किया जाता था, पर अभी ये बहुत ही फेमस पेट डॉग बन चुके हैं। इनकी लाइफ अराउंड 10 टू 12 ईयर्स की होती है। इनकी हाइट 51 टू 61 सेंटीमीटर्स के अराउंड होती है और वेट 25 टू 34 केजी के होता है। इनका ओरिजिन है यूनाइटेड किंगडम। ये ब्राउन, गोल्डन और वाइट कलर्स में अवेलेबल है। इनका टेम्परामेंट होता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, काइंड होते हैं, फ्रेंडली होते हैं और बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। ये अपने बहुत शाइनी और ब्यूटीफुल कोट के लिए पहचाने जाते हैं। ये बॉल के साथ और फ्रिस्बी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पर इनकी कोट की थोड़ी हमें देखभाल करनी होती है, मेंटेनेंस करनी होती है ताकि उनकी कोट शाइनी और अच्छी दिखे। ये बहुत ही न्यू ओनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम डॉग रखे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये डॉग बड़े अपार्टमेंट में या फिर मीडियम अपार्टमेंट में अगर रखें तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। नंबर 8 है बीगल। बीगल को प्राइमरीली हंटिंग के लिए ब्रीड किया जाता था, पर अभी ये भी बहुत अच्छे पेट डॉग्स बन चुके हैं। इनकी लाइफ अराउंड 12 टू 15 ईयर्स होती है। ये ट्राई कलर, वाइट एंड टैन, चॉकलेट ट्राई और वाइट और चॉकलेट कलर में अवेलेबल होते हैं। इनकी हाइट अराउंड 36 टू 41 सेंटीमीटर होती है और इनका वेट 10 टू 11 केजीज के अराउंड होता है। ये भी यूके, ग्रेट ब्रिटेन से ओरिजिनेटेड है। इनका टेम्परामेंट होता है कि ये बहुत एमिएबल होते हैं, इवन टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी अग्रेसिव नहीं होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं और बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोशल होने के कारण ये नए डॉग से मिलना, नए ह्यूमन से मिलना और उनके साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अपने कोट के लिए भी ज़्यादा इनको मेंटेनेंस नहीं चाहिए होता है क्योंकि इनका कोट बहुत छोटा और शॉर्ट होता है। अगर आप इन्हें मीडियम टू स्मॉल हाउसेस में रखेंगे तो भी ये इनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बड़े आराम से वहाँ रह लेंगे। नंबर 9 है इंडियन स्पिट्स। इंडियन स्पिट बहुत ही ज़्यादा फेमस इंडियन ब्रीड है। ये पोमरेनियन के बड़े कजिन्स होते हैं। इनकी लाइफ अराउंड 10 टू 14 ईयर्स होती है। इनका ओरिजिन ऑब्वियसली इंडिया है। ये ब्लैक, वाइट, ब्राउन और टैन कलर में अवेलेबल होते हैं। इनका टेम्परामेंट ये है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, प्लेफुल होते हैं, एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी हाइट अराउंड 35 टू 40 सेंटीमीटर से इनका वेट अराउंड 10 टू 15 केजी है। ये आउटडोर्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना, बॉल के साथ खेलना और फ्रिस्बी के साथ फेच खेलना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हें आप अराउंड हाफ एन आवर की एक्सरसाइज रोज करा देंगे तो इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी शेप और बॉडी मेंटेन हो सकती है। इनकी कोट का अच्छा ध्यान देने के लिए इन्हें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, इन्हें अच्छे शैम्पू से नहलाना चाहिए और टिक्स प्रिवेंशन के लिए टिक्स का पाउडर या फिर टिक्स का शैम्पू यूज़ करना चाहिए। नंबर 10 है लैब्राडोर रिट्रीवर। लैब्राडोर बहुत ज़्यादा फेमस ब्रीड है। ये सबसे ज़्यादा अडॉप्ट किए जाते हैं वर्ल्ड में। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब डॉग लिया था तो वो एक लैब्राडोर था। इनकी हाइट अराउंड 57 टू 62 सेंटीमीटर होती है। इनका वेट 29 टू 36 केजी होता है। इनका ओरिजिन है न्यूफाउंडलैंड। इनका टेम्परामेंट होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल होते हैं, क्वाइट होते हैं और काइंड होते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल और सोशल भी होते हैं। इन्हें दूसरे डॉग्स के साथ खेलना और दूसरे ह्यूमन के साथ खेलना और मिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये ब्लैक, चॉकलेट और वाइट कलर में अवेलेबल होते हैं। इनका बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल नेचर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो अगर आप इन्हें बाहर एक्सरसाइज के लिए या फिर खेलने के लिए ले जाए तो इनका बहुत ही अच्छा शेप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इनका कोट छोटा होता है तो आपको
इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इन्हें मेंटेन करने में, क्योंकि इसको बार बार ब्रश करने के लिए और इतना टिक्स का प्रॉब्लम भी नहीं होता है शॉर्ट कोट की वजह से। सो लैब्राडोर इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर फर्स्ट टाइम ओनर्स।